बायोफ्लॉक ठीक है या सेमी बायोफ्लॉक? भाई मेरे हिसाब से तो सेमी बायोफ्लॉक इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज लो कॉस्ट, मेंटेनेंस लो, और इवन पर्सन भी कम। आप दिन में आएंगे क्योंकि आपको इसमें खाना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने हिसाब से देख सकते हैं मछली के ग्रोथ के हिसाब से है, बस मेडिसिन का ध्यान रखना है। सैम्पलिंग हो रहा है नॉर्मल चेकअप मछली का, तो इसको पकड़े अपन, काटा का ध्यान रखना, काटा मारता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद अपन पूरा बॉडी देखना पहले, और इसका जो ये है स्किन ये रहना चाहिए ज़्यादा, इसलिए अपने को मछली को बार बार नेटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितना कम होते जाएगा ना इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, पैरासाइटिक डिसीज़ वगैरह, बैक्टीरियल डिसीज़ वगैरह, उन सबका अटैक का चांसेस बढ़ते। बस आउटलेट है 8 सेकंड के लिए खुलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया भैया, ज़्यादा है तो आप एक बार पैरामीटर चेक कर लो, प्लस इसको 10 सेकंड के लिए खोल के उसके बाद ये देखो कि अपना जो स्लज है वो निकला कि नहीं निकला। ये दो चीज़ों का अपना स्लज निकलने के बाद पानी फिर साफ हो जाएगा, रोज 7-7 सेकंड पानी निकलता है, तो नहीं रोज तो नहीं बोलेंगे मेरे खाते, वीक में एक बार कर, 15 दिन में एक बार जो पानी खत्म हो हाँ वो टॉपअप कर देते हो, मतलब ये जीरो एक्सचेंज बोलने से मतलब कि मिनिमल 15 दिन हफ्ता 10 दिन में जो भी है वाटर कंडीशन को अपने को देखना, इसलिए जो पैरामीटर्स है उसको चेक करो, क्योंकि पैरामीटर्स चेक करोगे तो पता चलेगा कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादा फ्लॉक बन रहा है तो थोड़ा ज्यादा फ्लॉक भी हानिकारक है, फ्लॉक बड़ा हो जाता है फिर नहीं खा पाएगा, खा नहीं पाएगा, उसके दिल ये समस्या होगा। तो हर चीजें देखो, कोई भी चीज अपन खाना भी खाते हैं तो जितना अपन पेट की क्षमता है उतना ही खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, उसी प्रकार अपने को पानी का लेकिन आपका जो पैरामीटर्स है उसको चेक करना नहीं भूलना, और ग्रेडिंग तभी, क्योंकि देखो ये कल्चर बहुत सक्सेस है लेकिन मेहनत अटेंशन लगता है। तालाब में क्या है कि अपन जैसे छोड़ दिए, एक दो दिन दाना भी नहीं डाले, या जैसे लाइट का उतना वो नहीं, इसमें एक एयर ड्रेस चल रहा है सब में, हैवी सुपर इंटेंसिव कल्चर है, अगर इसमें लाइट गई ऑक्सीजन तुरंत कम हो जाएगा। ये मोलासिस ड्रॉप सिस्टम, ठीक है उधर देख लो कितना हुआ मीटर, अरे मीटर में देखो मीटर मीटर आगे होगा 7 मीटर, 7 मीटर मतलब कि डाया कितना मिला 7, ठीक है मतलब उसका आर कितना मिला, रेडियस कितना मिला, अरे ये तो बी है, डाया है आर 3.5 और इधर इधर माप लो हाइट कितना,
12 है, ठीक है, मतलब स्लॉट है इसका 1 फीट स्लॉट रहना चाहिए। और ये देख लो, ये देख लो, ये है।